पांच गांवों के महत्व को उजागर करता है। रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और संचार जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। सीमा सड़क संगठन इस भूमिका के लिए सदैव तैयार है और तत्पर है, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन पेशेवर कौशल और अनुभव के साथ सैन्य ज्ञान और अनुशासन को भी जोड़ती है। मैं ये बताते हुए गौरवान्वित हो रहा हूं कि बीआरओ देश का एकमात्र निर्माण संगठन है जो विभागीय काम करने में सक्षम है। किसी आपदा की स्थिति में हमारी ट्रेन बीआरओ कर्मी मशीनरी त्वरित कार्य के लिए मौके पर सदा उपलब्ध है। भारत सरकार के समर्थन से बीआरओ द्वारा पूरी की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। माननीय रक्षा मंत्री जी के पिछले दो वर्षों में 205 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जो कि बीआरओ के लिए प्रोत्साहन का एक बड़ा स्रोत है। पिछले वर्ष 2023 में आज के 35 परियोजनाओं को मिलाकर कुल 125 परियोजनाएं संपन्न हुई हैं, जो एक साल के लिए रिकॉर्ड है। मैं उत्तराखंड में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे कि चार धाम यात्रा मार्ग, आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर मार्ग को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। मैं राज्य के दूरदराज के क्षेत्र में कार्य के दौरान आने वाली बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाने में अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देता हूं। इसके अतिरिक्त मैं पूरे देश के महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रोग्रेस में आपको अवगत कराना चाहूंगा। ईस्टर्न लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड परियोजना, जिसका आधारशिला माननीय रक्षा मंत्री जी ने 12 सितंबर 2023 को रखी थी, इस परियोजना पर पूरी तत्परता के साथ काम जारी है और अनुमानित तिथि से पहले ही पूरा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में चल रही सेला सुरंग परियोजना, जो समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी दोहरी हाईवे सुरंग है, जल्द ही राष्ट्र को समर्पित करने के लिए तैयार होगी। यह सुरंग 12 महीने सामरिक दृष्टि के महत्वपूर्ण तमाम क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बीआरओ हमेशा आपातकालीन और आपदा स्थितियों में भी सबसे आगे रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में सिल्कियारा टनल की घटना में बीआरओ ने सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ बचाव कार्य में अपना योगदान दिया। सिक्किम में बादल फटने तथा भयावह बाढ़ की स्थिति में भारतीय सेना के साथ आपातकालीन कार्यवाही में बीआरओ शामिल था। बाढ़ के कारण उत्तरी सिक्किम में सड़क का बुनियादी ढांचा उसमें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अब तक 4 सड़कें और 5 पुलों को मरम्मत कर चुका है और कनेक्टिविटी का बहाल करने के लिए लगन से काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि 31 मार्च इसी साल 2024 में सिक्किम में कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बहाल करना है। इसके अलावा अंडमान द्वीप समूह में निकोबार द्वीप में नॉर्थ साउथ रोड और अंडमान के कोस्ट गार्ड के लिए जेटी की परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से अग्रसर है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीआरओ के निशान संपूर्ण भारत में अंकित है। बीआरओ की इस गौरवमयी गाथा तथा अनंत उपलब्धियों के पीछे हमारे कार्मिक तथा कैजुअल पेड लेबर है। ये श्रमिक हर समय दुर्गम इलाकों और कठोर मौसम के हालातों में काम करते हैं। हम बीआरओ श्रमिकों के लिए सरकार के कल्याणकारी कदमों के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सुनिश्चित सभ्य अंतिम संस्कार योजना सेना के समान जोखिम और कठिनाई भत्ता प्रदान करना, विस्तारित चिकित्सा सुविधाएं और हाल ही में अनुमोदित जीवन बीमा योजना जैसे
सरकार के निर्णय अविस्मरणीय है। मैं एक बार फिर माननीय रक्षा मंत्री और सभी सम्मानित अतिथियों को आज के समारोह में भाग लेने के आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का निरंतर प्रयास सभी योजनाओं को समय से तथा उच्च गुणवत्ता से पूर्ण करने का रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद महानिदेशक महोदय। हम संस्कृति के पथिक हैं, सदा सफर करने वाले, तूफान बवंडर चट्टानों में सदा समर करने वाले। विकसित राष्ट्र बनाने का अब ये संकल्प हमारा है, नंबर तक अब भारत का जयकारा है। अब मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करते हुए हमें कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज विभिन्न विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण अवसर पर इनके मार्गदर्शन में और निर्देशन में बहुत सारी योजनाएं आज गतिमान हैं और पूरी हो रही हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर विराजमान CDS जनरल अनिल चौहान जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DG BR रघु जी, ब्रिगेडियर अमन आनंद जी एवं सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिल नौटियाल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गोपाल राम टंटा जी, हमारे जिलाध्यक्ष मैखुरी जी एवं सभी जनप्रतिनिधिगण, आए हुए सभी अतिथिगण, सेना के सभी अधिकारीगण, BRO के सभी अधिकारीगण, सभी सैनिक जवान, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से मंच पर विराजमान देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का देवभूमि उत्तराखंड की देवभूमि जनता की ओर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं चूंकि बाल्यकाल से ही उनके सानिध्य में मुझे काम करने का, सीखने का अवसर मिला, मैं जानता हूं कि राजनीति में उनके जैसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष और भारत की वर्तमान जो अगर राजनीति की मैं कहूं तो राजनीति में आजाद शत्रु जिनको कहते हैं वो हमारे आदरणीय राजनाथ जी हैं। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी को सामाजिक जीवन में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार ऊर्जा प्रदान करता है। अटल संकल्प और अंत्योदय के लक्ष्य से परिपूर्ण आपका राजनीतिक जीवन सभी को, हम सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल रघु जी बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ से बता रहे थे, मुझे भी समय समय पर DRO के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, संवाद करते हैं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा भी करते हैं। DRO देश के सामरिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान
करता रहा है, क्योंकि मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और विशेषकर से हमारे जैसे राज्य में जो सीमावर्ती राज्य हैं, एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करना और उसे समय पर पूरा करना बीआरओ के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है। बीआरओ का काम सिर्फ सड़कें बनाकर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ना भर नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से लोगों को, लोगों के दिलों को जोड़ना भी है। मेरा मानना है कि निर्माण ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा ऐसी भावनाओं से प्रेरित हो। पिछले 6 दशकों में सीमा सड़क संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के एक मजबूत स्तंभ के रूप में लगातार काम करता रहा है। आज बीआरओ हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं वहाँ भी अपनी सेवाएं देकर उन्हें हमारे देश से, हमसे जोड़ने का काम कर रहा है। सीमा सड़क संगठन ने अटल सुरंग का निर्माण करके पूरी दुनिया को अपना इंजीनियरिंग कौशल दिखाया। बीआरओ अब तक 60,000 किलोमीटर सड़क, 850 पुल, 19 हवाई पट्टी और 4 सुरंगों का निर्माण कर चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आज भी, आज के कार्यक्रम में भी 670 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 35 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देश को समर्पित किया जाएगा। और मुझे बताया गया कि सितंबर 2023 में बीआरओ ने 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं देश को समर्पित की थी, जिसमें 2023 में कुल 125 परियोजनाएं बनाकर बीआरओ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके लिए मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी, जिनके निर्देशन में पूरा बीआरओ काम करता है, और बीआरओ की पूरी टीम, डीजी बीआरओ बीआर समेत सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजनाएं पूरी हो रही और पूरी होकर आज पूरे देश के लिए आने वाले प्रत्येक यहां पर्यटक को, श्रद्धालु को जो सुविधा प्रदान हो रही है वो हम सबके समक्ष है। उसी प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट, अभी कैलाश मानसरोवर की बात रघु जी यहाँ से कर रहे थे और उस पर काम हो रहा है। यहीं से शिमली ग्वालदम और जलदेवी तक का मार्ग, वह भी तेजी से निर्माण उसका हो रहा है। अटक से लेकर कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड कनेक्टिविटी का विस्तार होने से यातायात सुगम हुआ है। उत्तराखंड में भी छोटा स्टेट होने के बावजूद 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे हैं, और प्रदेश में सड़कों की जो दशा है पहले से अद्भुत रूप से उसमें सुधार हुआ है। बहुत सारे यात्री जो पहले भी यहाँ आते रहे और अब जब आते हैं तो जो अंतर है, जो फर्क है, वो जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो जरूर हमसे चर्चा करते हैं कि अब बद्रीनाथ जाना कितना आसान हो गया, कितना कम समय लगता है। या ऋषिकेश से चलते हैं तो बद्रीनाथ तक का सफर का पूरा हो गया, पता ही नहीं लगता है। इसी प्रकार से भारतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 5 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्टों से 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्राएं लगातार सुगम हो रही है। आज देश में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन होना यह दर्शाता है कि किस तरह देश में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हम भी प्रतिदिन 4 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जबकि पहले जो सड़कों की हालत थी, कितनी खस्ताहाल थी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के विकास के एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। और जो उन्होंने हमारे राज्य पर, हम सब पर विश्वास किया है, इस विश्वास को अवश्य ही हम साकार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए हमारी पूरी सरकार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का
सहयोग और आशीर्वाद लेकर पूरे मनोरथ के साथ हम काम कर रहे हैं। हमने ऐसे अनेक मुद्दों का निस्तारण किया जिन्हें उनकी सरकारों ने जिन तरफ ध्यान नहीं दिया उस तरफ भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में हर स्तर पर कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है और हमारा जहां पर BRO और NHAI ऐसे अनेकों संगठन जो काम कर रहे हैं उनको भरपूर सहयोग राज्य सरकार की तरफ से जहां भी देने की आवश्यकता है जो भी समन्वय करना होता है उसको हम लगातार कर रहे हैं। उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जा रहा है और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर भी अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं। इसके दृष्टिगत हम निरंतर अपने शहरों के जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं उनके अनुरूप तैयार कर रहे हैं और यही जोशीमठ का स्थान ये एक बड़ा केंद्र है और आने वाले समय में इसके आसपास पूरा ये क्षेत्र है जो चारधाम ऑल वेदर से जुड़ता है 25 सालों में 50 सालों में किस प्रकार से लोगों का यहाँ आवागमन होने वाला है क्योंकि प्रत्येक वर्ष यात्रा का हम देखते हैं कि जो यात्रा 2021-22 में थी वो 23-24 में उससे 10 लाख ज्यादा हो गई। पहले साल 46 लाख थी 22 में और 23 में वो 46 लाख से बढ़कर 56 लाख चारधाम यात्रियों की संख्या हो गई। और इस प्रकार से हर क्षेत्र में चाहे कांवड़ यात्रा हो या आने वाले हमारे पर्यटक हों देश विदेशों के जो श्रद्धालु हों हर साल उनकी संख्या बढ़ रही है। उस संख्या के अनुरूप अब हम राज्य के अंदर आधारभूत जो संरचना है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। आज युवा उत्तराखंड अब एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है और हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने में अवश्य सफल होंगे। अंत में पुनः मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का देवभूमि में आप सब की तरफ से अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और BRO को इस भव्य आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जैसे कि आप सभी को विदित है आज के इस कार्यक्रम में सीमा सड़क संगठन द्वारा देश के अति दुर्गम क्षेत्रों एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बनाई गई 35 परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के विकास कार्यों में भगवान श्री बद्री विशाल जी का विशेष कृपा है जो कि विकास कार्य द्रुत गति से होता जा रहा है। 35 परियोजनाओं के बारे में एक चलचित्र तैयार की गई है जो आपके सामने प्रस्तुत है। सीमा सड़क संगठन का योगदान देश निर्माण में अमूल्य है। यह संगठन अपनी लगन और कठिन परिश्रम के बलबूते राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बना चुका है। अपने 62 वर्षों के कार्यकाल में इस संगठन ने हमारी सशस्त्र सेनाओं की सामूहिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों के आर्थिक विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। उन्नत टेक्नोलॉजी से सुसज्जित BRO के कर्मियों भी अत्यधिक दुर्गम और दूरदराज इलाकों में देश निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। इस संगठन ने अब तक 61,500 किलोमीटर से अधिक सड़क 895 स्थायी पुलों 21 हवाई पट्टियों और 18 किलोमीटर लंबी 6 सुरंगों का निर्माण सबसे दुर्गम इलाके और कठिन मौसमी हालात में सफलतापूर्वक किया है। इस संगठन ने पिछले कुछ वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिनमें 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल शामिल है।
जो अब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसके अलावा इसमें दुनिया की सबसे ऊंची उमलिंगा रोड भी शामिल है, जिसका निर्माण 19,024 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। सीमा सड़क संगठन राष्ट्र निर्माण में लगातार नई परियोजनाओं को तैयार कर रहा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सीमा सड़क संगठन ने 35 नई परियोजनाओं को अंजाम दिया है, जिसे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा 19 जनवरी 2024 को देश को समर्पित किया जाएगा। देश के विकास में आज 29 पुलों और 6 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इन परियोजनाओं में 10 पुल केंद्र शासित प्रदेश लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का यह विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि ढाक सेतु का उद्घाटन एवं अन्य 34 परियोजनाओं का ई लोकार्पण करके राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। देवी और सज्जनों, मुझे आप सबको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यह ई लोकार्पण अन्य 34 परियोजनाओं में एक साथ संपन्न हो रही है। सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क निर्माण से राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली है और भारत के विभिन्न राज्यों में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन भी हुए हैं। सीमा सड़क संगठन ने
पड़ोसी मित्र देशों जैसे कि भूटान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के सड़क एवं हवाई पट्टियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीमावर्ती मित्र देशों के विकास में सीमा सड़क संगठन के बहुमूल्य योगदान पर आधारित सार संग्रह तैयार किया गया है, जो कि सीमा सड़क संगठन के समर्पण एवं निस्वार्थ सेवा को दर्शाते हैं। इसी संदर्भ में मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से जी एवं उपस्थित गणमाननीय अतिथिगण से आग्रह करता हूं कि वे इन सार संग्रह का विमोचन करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी का हौसला बढ़ाते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर बीडी मिश्राई, श्री तीरथ सिंह जी रावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गढ़वाल, श्री तपिरगांव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल ईस्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल जी चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल आर श्रीनिवासन डीजी बॉर्डर रोड और एडीजी बीआरओ श्री हरेंद्र, ब्रिगेडियर अमन आनंद, विभिन्न राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण, हमारे बीआरओ के बहादुर कर्मयोगी, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आज आप सबके बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी है। 670 करोड़ की लागत से 35 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करना मैं मानता हूं कि हमारे लिए यह एक सौभाग्य का विषय है। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वह अभूतपूर्व है। 2023 में तो 125 प्रोजेक्ट को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का और समझने का अवसर मिला है। मुझे अनेक प्रोजेक्ट्स का तो शिलान्यास और उनके पूर्ण होने के बाद उनके उद्घाटन का भी अवसर मिला है और मुझे ये बात कहते हुए बेहद खुशी होती है कि प्रत्येक शिलान्यास या फिर उद्घाटन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह गौरव का क्षण है और प्रत्येक उद्घाटन बीआरओ की प्रतिबद्धता और उनकी मेहनत का प्रतीक बनकर उभरा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। साथियों, आप सभी तो जानते हैं कि बीआरओ का काम मुख्यतः भारत के सीमावर्ती इलाकों पर ही केंद्रित है और सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्यों का सहयोग मिलना यह अत्यंत आवश्यक होता है। भारत के सभी राज्य, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, वहां सीमावर्ती इलाकों में विकास की जब बात आती है तो बीआरओ का वो पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन इस दिशा में उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर काम किया है
और जिस तत्परता के साथ उन्होंने उत्तराखंड में बीआरओ के हर प्रोजेक्ट के साथ निभाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस तरीके से इनके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, यह उड़ान आगे भी ईश्वर की कृपा से जारी रहे। साथियों, भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। आज भारत के सीमावर्ती इलाकों के किसी सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सड़कों या पुलों के माध्यम से खुद को भारत के बाकी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो इसमें बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान है। नदी के दो किनारों के बीच की गहराई हो या फिर दो पहाड़ों के बीच की खाई हो, इन सबको पाटते हुए एक संस्था के रूप में बीआरओ तथा उससे जुड़े हुए लोग जिस मेहनत के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसके लिए निश्चित ही बीआरओ के सभी अधिकारी और सभी कर्मी बधाई के पात्र हैं। साथियों, अगर वास्तविकता में देखें तो बीआरओ की पहचान उसके कर्मियों से, और ये बीआरओ के ऑफिसर्स, बीआरओ के इंजीनियर्स, बीआरओ के जवान, बीआरओ के लेबरर्स ही असल मायनों में बीआरओ का निर्माण करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि बीआरओ देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कार्य कर रहा है, तो असल में हम बीआरओ नहीं बल्कि बीआरओ के कर्मियों का जिक्र कर रहे होते हैं। ऐसे में आज बीआरओ के कर्मियों पर ही मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगा। साथियों, हमारे जो बीआरओ कर्मी हैं उनमें आपको मालूम है कि ब्रॉडली मुख्य रूप से तीन तरह के कर्मी होते हैं। एक जो आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, और दूसरे वे जो बीआरओ के परमानेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, और तीसरे वे जो बीआरओ से जुड़े कैजुअल पेड हमारे लेबरर्स। बीआरओ के आर्म फोर्सेस में रिलेटेड एम्प्लॉइज और परमानेंट सिविलियन एम्प्लॉइज पर तो मैं प्रायः बात करता ही हूँ, पर आज मैं कैजुअल पेड लेबर्स पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। साथियों, बात जब हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स की आती है तो उनके साथ आमतौर पर एक मानसिकता की भी बात आती है। मानसिकता यानी कुछ समय पहले स्थिति यह थी कि किसी भी सरकारी संगठन में जो लोग पक्की सरकारी नौकरी वाले हैं उनको तो संगठन का पार्ट माना जाता था, लेकिन जो आउटसोर्सिंग से लिए जाते हैं या जो कैजुअली काम कर रहे होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर हैं, उन्हें उस संस्था का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन आज मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हम इस बात में यकीन करते हैं कि पक्की सरकारी नौकरी वाले लोग, आउटसोर्सिंग वाले लोग, कैजुअली काम कर रहे वाले लोग, इन सबके सम्मिलित प्रयासों से ही कोई संस्था आगे बढ़ती है तथा देश आगे बढ़ता है। साथियों, बीआरओ में भी एक बड़ी संख्या में कैजुअल पेड लेबरर्स काम करते हैं। इसलिए बदली हुई मानसिकता का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा है। जब कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या फिर देश के किसी भी क्षेत्र से कैजुअल पेड लेबरर के रूप में बीआरओ से आकर जुड़ता है, तो उसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वह पक्की सरकारी नौकरी वाला नहीं है, इसलिए वह इस संस्था का पार्ट नहीं है, ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए। क्या वह गवर्नमेंट से परमानेंट सैलरी नहीं पाता तो उसे बीआरओ का पार्ट नहीं माना जाना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल जो एक कैजुअल पेड लेबरर के मन में उठते थे, वह सब हमारे प्रयासों से दूर हुए हैं, और आज वह भी खुद को गर्व से बीआरओ का अपने को पार्ट मानता है। वह कैजुअल पेड लेबरर इस बात में विश्वास करता है कि यह संस्था जितनी डीजी बीआरओ की है उतनी ही एक कैजुअल पेड लेबरर की भी है, और
अब वह सभी कर्मी इस बात का अनुभव करते हैं। साथियों, मैं खुद भी व्यक्तिगत स्तर पर यह प्रयास करता हूं कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से जितना संभव हो सके उतना मैं करूं, चाहे वह वर्तमान DGBRO हों या फिर इनके पहले जो DGBRO थे। ये लोग जब भी मुझसे मिले हैं तो मैं इनसे इस बारे में जरूर बात करता हूं कि हमारी पंक्ति में खड़े जो आखिरी लोग हैं, जो कैजुअल पेड लेबरर्स हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। साथियों, भारत सरकार हमारे VRO कर्मियों की मेहनत से और वह लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं उन परिस्थितियों की कठिनाइयों से भली भांति अवगत है, इसलिए उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तथा उनके समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए हैं। हाल ही में हमने सेना के समान ही VRO के परमानेंट सिविलियन पर्सनल के लिए भी जोखिम और कठिनाई भत्ता सुनिश्चित किया है। हमने कैजुअल लेबरर्स की यक्स ग्रेसिया कंपनसेशन को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले मैंने VRO के हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की व्यवस्था करने वाले प्रोविजन को भी अभी हाल में ही हमने मंजूरी दे दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार द्वारा हमारे कर्मियों के लिए उठाए गए यह कदम VRO में हमारे आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉइज, सिविलियन एम्प्लॉइज और कैजुअल पेड लेबरर्स सभी के मनोबल को ऊंचा करने में सहायक होंगे। साथियों, जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं वह बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। मैं इससे पहले भी कई बार अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि पहले एक समय था जब सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय सरकारें इस मानसिकता पर काम करती थी कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग ही हमारे मुख्य धारा के लोग हैं, इसलिए उनके अनुसार मैदानी इलाके और हमारा जो संभावित शत्रु है उनके बीच में सीमावर्ती इलाके एक बफर के रूप में काम करते थे। हमारे पुराने लीडर्स को इस बात का अंदेशा रहता था कि सीमाओं पर जो डेवलपमेंट हम अपने लिए कर रहे हैं ऐन वक्त पर उनका इस्तेमाल कहीं हमारे शत्रुओं द्वारा न होने लगे, यानी हमारे एडवर्सरीज के द्वारा न होने लगे। इसी मानसिकता का यह परिणाम था कि सीमावर्ती इलाकों में डेवलपमेंट जितना हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन अब इस पुरानी सोच को हम लोगों ने बदला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती इलाकों में विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथियों, हम सीमावर्ती इलाकों को एक बफर जोन के रूप में नहीं बल्कि हमारे मेन स्ट्रीम का हम हिस्सा मानते हैं। साथियों, हम यह नए भारत का नया कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है कि हम अपने पोटेंशियल एडवर्सरी से निपटने के लिए मैदानी इलाकों तक उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम पहाड़ों पर ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और पहाड़ी सीमा पर सेनाओं की ऐसी तैनाती करेंगे कि वह हमारे पहाड़ी लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और हमारे किसी भी एडवर्सरी यानी शत्रु से निपटने में भी सेना के लिए पूरी तरह से वह सहायक भी हो। साथियों, अभी 2 महीने पहले उत्तराखंड के सिलकेरा टनल में जो साहसिक अभियान चलाकर फंसे हुए मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला गया था उसमें भी VRO की विशेष रूप से VRO की महिला कामगारों की हमारी विशेष भूमिका रही है। VRO की महिला इंजीनियर्स की टीम ने रेस्क्यू मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से सीमा सड़क संगठन के जंगल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की महिला मजदूरों ने, जिसे GREF कहते हैं, कि महिला मजदूरों ने पहाड़ी की चोटी तक जाने वाले 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक का भी निर्माण किया है। उन्होंने अपने अथक परिश्रम से टास्क को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाबी हासिल की है। आज के इस अवसर पर मैं GREF की पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, जिसने संकट के समय अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। पूरे अभियान के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चिंता करते रहे।
और उन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाने में दिन रात एक कर दिया है। और इस मिशन में शामिल हर किसी ने टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम करने का एक इतिहास रचा है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की सोच ही अन्य सरकारों से काफी हद तक अलग है। उनके लिए सीमावर्ती इलाके और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर एरिया देश का अंतिम इलाका होता था। हमारी सोच है कि बॉर्डर एरिया हमारे देश का चेहरा है, इसलिए हम सीमाओं पर भी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आज देश में हर सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, पुलों और सुरंगों के माध्यम से कनेक्टिविटी दी जा रही है, और इस काम का स्ट्रेटजिक महत्व तो है ही, मगर इसका संबंध हमारे बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के विकास और कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। साथियों, सीमा से सटे रहने वाले हमारे भाई बहन किसी चिपाही से कम नहीं है, यह हमारी सरकार की मान्यता है। फौजी वर्दी पहनकर देश की रक्षा करता है, तो हमारे यह भाई बहन इन इलाकों में रहते हुए देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में पलायन हुआ है, इस सच्चाई से भी मैं अच्छी तरह अवगत हूं, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़ी तमाम परियोजनाओं को सीमा के आखिरी छोर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश की विकास यात्रा से सागर से लेकर हम सीमाओं तक पहुंचे। साथियों, उत्तराखंड से देश के कुछ सीमावर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम, या हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं इस पर एक स्टडी करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं, इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए। हिमालय का विस्तार देश के अन्य राज्यों में भी है, परंतु इन कुछ राज्यों में इस तरह की घटनाओं के बढ़ने की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसमें क्लाइमेट चेंज की बड़ी भूमिका है, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है। आज देश में क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक मौसम से जुड़ी घटना भर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह एक गंभीर मुद्दा भी है। भारत का रक्षा मंत्रालय भी इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहा है, और मैं समझता हूं इस काम में हम मित्र देशों का भी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसकी स्टडी कराई जानी चाहिए कि कहीं इसमें किसी प्रकार की हमारे एडवर्सरीज की यानी शत्रुओं की भी किसी हद तक कोई भूमिका तो नहीं है। अंत में मैं बीआरओ से जुड़े सभी लोगों को देश के दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी स्थापित करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए बधाई देता हूं, और साथ ही डीजी श्री रघु श्रीनिवासन जी को भी उनकी विशेष प्रतिबद्धता के लिए, अथक परिश्रम के लिए उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके सारे सहयोगियों को भी। और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सरकार हर कदम पर उनके संकल्प के साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।